रोहिणी हियर। तो आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है लैक्मे एब्सोल्यूट फेस स्टाइलिस्ट ब्लश डुओज। सो इसका प्राइस है 750 और आपको इसमें मिलेगा 6 ग्राम और इसमें 4 कलर शेड ऑप्शन आता है। नंबर 1 है कोरल ब्लश, नंबर 2 पिंक ब्लश, नंबर 3 रोज ब्लश एंड नंबर 4 पीच ब्लश। और मैं करेंटली कोरल ब्लश कलर यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि पैकेजिंग कैसा है। और इसके साथ आपको मिलेगा एक छोटा सा ब्रश, बट मैं सजेस्ट करूँगी ये ब्रश आप यूज़ मत कीजिएगा जब ये ब्लश आप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा छोटा है, आप देख सकते हैं, और इससे ठीक से ये अप्लाई नहीं हो सकता है। तो आप इसमें जो ब्लश का ब्रश होता है फ्लफी ब्रश वो यूज़ कीजिए, इससे बहुत अच्छा टेक्स्चर आएगा। और ये देखिए इसमें एक्चुअली 2 शेड ऑप्शन आता है, एक लाइट शेड एक डार्क शेड। लाइट शेड जनरली आप यूज़ कर सकते हैं डे टाइम के लिए, आप अगर ऑफिस जाते हैं कॉलेज जाते हैं या कोई भी डे फंक्शन के लिए आप लाइट शेड यूज़ कीजिए, एंड डार्क शेड यूज़ करना चाहिए आपको रात को। डार्क शेड यूज़ करना चाहिए आपको नाइट टाइम, कोई भी पार्टी या कोई भी आप वेडिंग फंक्शन में जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं तो नाइट के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ये आप डार्क शेड यूज़ कीजिएगा। आप इसको यूज़ करने के लिए एक अच्छा सा ब्लश ब्रश फ्लफी ब्रश यूज़ कीजिएगा, तो देखिएगा ये आपके स्किन में बहुत ही अच्छा एक टेक्स्चर दे रहा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फिनिश देगा आपके चीक्स पे। देखिए मैंने खुद अभी यूज़ किया है कोरल ब्लश, एक्चुअली ये कलर मुझे लगता है पर्सनली मेरा चॉइस है, ये सबसे बेस्ट कलर है क्योंकि पिंक कलर जो है वो पिंक की एक लुक्स देता है, वो हर एक ड्रेस कोड के साथ या फिर हर एक ड्रेस कलर के साथ भी पिंक कलर नहीं जाता है, बट ये कलर हर ड्रेस के साथ जाता है। और पीच कलर अगर आपको बहुत लाइट शेड पसंद है तो मैं बोलूँगी जो पीच ब्लश है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसका जस्ट और लाइटर वर्जन है, बट पिंक कलर सब ड्रेस के साथ सब कलर के साथ एक्चुअली सूट नहीं होता, तो मैं स्पेशली ये वाला ब्लश जो है वो यूज़ करती हूँ। एंड और एक है रोज़ ब्लश, वो भी थोड़ा एक्चुअली ज़्यादा डार्क है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सिल्की पाउडरी एंड एक रेडियंस लुक देता है आपके स्किन में, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है आपके स्किन के साथ। एंड बहुत सारे ब्लश ऐसे हैं जो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता तो उसका अच्छा लुक्स नहीं आता है आपके चीक्स पे आपके स्किन में, बट ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड ये थोड़ा सा महंगा है ऑब्वियसली, बट क्योंकि एक ही एक्चुअली ब्लश शेड है, देखा जाए तो एक ही शेड है थोड़ा लाइट एंड डार्क, बट उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, बट ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि बहुत अच्छा फिनिश देता है। तो आप बहुत अच्छे से एंड ध्यान से चूज़ कीजिएगा आपको कौन सा कलर चाहिए, कौन सा शेड चाहिए आपके लिए। गाइस आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरे वीडियोस, एंड आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए। एंड हाँ वन मोर थिंग, मेरे चैनल में अभी से होममेड स्किन केयर जो रेमेडीज़ होता है, नेचुरल जो होममेड ट्रीटमेंट्स होता है वो मैं अपने चैनल में शुरू कर दिया ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, मैं लिंक दूंगी इसी वीडियो में। तो ऐसा वीडियोस मैं वीकली 1 बार से 2 बार अपलोड करूँगी, तो आप देख सकते हैं वो भी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।